दोस्तों, बॉलीवुड आज बेहद भय के माहौल में जी रहा है। कोई इनकी फिल्मों को देखना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इन बॉलीवुडिया भांडों का अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसका कारण यह है कि हम लोगों ने इन्हें बरसों से हीरो और अपना आइडल मानकर इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। देश के बच्चे जब थोड़े समझदार होते हैं तो वो इन फिल्मों में काम करने वाले लोगों को और बॉलीवुडिया भांडों से इतना प्रभावित होते हैं कि वो बच्चे इन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। आज बच्चा बच्चा बॉलीवुड के रंग में रंगना चाहता है, क्योंकि बॉलीवुड आज हमारे घर में, हमारी जिंदगी में अंदर तक घुसकर बैठा है। आज की डेट में किसी भी 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे को ये पूछो कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तो वो जो है बॉलीवुड की नचनियों का ही नाम लेगा। देश के क्रांतिवीर असली हीरो होते हैं, हमारे फौजी असली हीरो होते हैं, ये बात उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आएगी। 14, 15, 16 साल के बच्चे से पूछो कि आलिया भट्ट, कटरीना कैफ कौन है या दीपिका पादुकोण कौन है, तो वो उनकी पूरी डिटेल बता देंगी। सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, अक्षय कुमार कौन है, आमिर खान कौन है, पूरी डिटेल बता देंगी। किससे किसका अफेयर है, कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, किसका क्या स्टाइल है, सब कुछ पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव कौन थे, तो वो सिर्फ उनके बारे में इतना ही बता पाएंगे कि इन्होंने देश के लिए जान कुर्बान की थी। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्तों कि इससे ज्यादा वो एक शब्द भी इनके बारे में नहीं बता पाएंगी, क्योंकि बॉलीवुड हमारी रग रग में अंदर तक घुस के बैठा है और हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है सिर्फ बॉलीवुड के बारे में। पढ़ाया जाने से मतलब है अखबारों में। कभी भी हमें क्रांतिवीरों के बारे में ना तो पढ़ाया जाता है ना दिखाया जाता है। आप खुद सोच कर देखिए कि टीवी पर क्रांतिवीरों से संबंधित कितने प्रोग्राम आते हैं, जबकि फिल्मों से जुड़े हुए आपको डेली 3-4-5 प्रोग्राम्स देखने को मिल ही जाएंगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के भांड इतनी आसानी से जमीन पर नहीं आएंगे। आप सभी को पता है दोस्तों कि अभिषेक बच्चन की एक नई फिल्म आई है दसवीं, जो कि OTT पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म कैसी है, इसकी कहानी कैसी है, किस बेस पर है, हम फिलहाल इस बारे में बात नहीं करेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाल ही में इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया। उस पर किसी ट्विटर यूजर ने कमेंट किया कि आप अपने बेटे की फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तो इस पर अमिताभ ने जवाब देने की जगह अलग से एक और ट्वीट किया। आप स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन का वो ट्वीट देख सकते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है, जी हाँ हुजूर, मैं करता हूँ बधाई, प्रचार, मंगलाचार, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में काम करते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों। वो एक सीनियर एक्टर हैं और उनकी उम्र भी आज की डेट पर अंतिम पड़ाव पर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे या 2 साल जिएंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। पर ये ट्वीट दिखाता है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी ये इंसान कितना ज्यादा घमंडी है, कितना अहंकार है अपने पैसे, अपनी पोजीशन और अपनी पावर का। क्या अमिताभ जैसे सीनियर एक्टर को एक आम इंसान के ट्वीट का जवाब ऐसे अहंकार में देना जायज है? अमिताभ ने अपने ट्वीट में जो एंड में लिखा है, क्या कर लोगे, ये इस इंसान के घमंड को दर्शाता है। अमिताभ अपने बेटे की फिल्म का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। और एक्टर्स या पॉलिटिशियंस के ट्वीट्स पर ट्रोलर्स कमेंट भी करते हैं, वो हमेशा से करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं। लेकिन इतने सीनियर एक्टर को उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि ये लोग अपने खिलाफ हुई बातों को किस तरह से कुचलना चाहते हैं, यानी अपने खिलाफ ये कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। अमिताभ की हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है झुंड। दर्शकों ने इसे इतनी बुरी तरह से फ्लॉप करार दिया है कि अमिताभ को तो आज की डेट में इतने प्यार से डील करना चाहिए लोगों के साथ में कि ठीक है, वो अगर अपने बेटे की फिल्म का प्रचार कर भी रहे हैं, प्रमोशन कर भी रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है, वो आराम से भी इस बात का जवाब दे सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना अहंकार दिखाया कि क्या कर लोगे, क्या कर लोगे।
यानी वो दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि हमारी आम आदमी की पहुंच से वो बहुत ऊपर हैं, और यही वजह है कि ये लोग हम आम इंसानों को हमेशा से कुत्ते बिल्ली की तरह हांकते आ रहे हैं। अपने आगे ये आम लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। आम लोग अगर जरा सा भी कुछ इनसे सवाल पूछ लें, कोई हिसाब मांग लें, किसी की आलोचना कर दें, तो ये इतनी बुरी तरह से डांट देते हैं, इतनी बुरी तरह से उसे अहंकार दिखाते हैं कि वो दर्शाता है कि हम ही लोगों ने इनको इतना बड़ा बना रखा है और हम ही लोगों को ये इस तरह आंख दिखाते हैं। तो अमिताभ के इस अहंकारी ट्वीट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार को आज भी उनके बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए याद किया जाता है। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए सलमान खान और राजकुमार साहब से जुड़ा वो किस्सा, जहां एटीट्यूड दिखाने पर राजकुमार ने सलमान को दिखा दी थी उनकी औकात, और जिसके बाद सलमान को भरी महफिल में सबके सामने मांगनी पड़ी थी अपनी गुस्ताखी के लिए राजकुमार से माफी। तो बताते हैं 1990 की उस पार्टी का पूरा किस्सा। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और इस किस्से को लेकर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था, और जितनी शानदार उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी होती थी, उतनी इंटरेस्टिंग उनकी जिंदगी के किस्से भी हैं। वो स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर थे। एक बार तो नए नए सुपरस्टार बने सलमान खान उनसे उलझ बैठे थे, जिसके बाद राजकुमार उर्फ कुलभूषण पंडित ने सलमान खान की सारी हेकड़ी ही निकाल दी थी। राजकुमार की तरह ही सलमान खान को भी बॉलीवुड में उनके एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में काफी अंतर है। राजकुमार जहां अपने टैलेंट के आधार पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे, तो वहीं सलमान खान बिना टैलेंट के ही लोगों से जलने और उन्हें नीचा दिखाने का नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। ऐसे कई मामले हैं दोस्तों जब सलमान खान ने अपने एटीट्यूड से सामने वाले की सिर्फ बोलती ही बंद नहीं की, बल्कि बॉलीवुड से उसका सारा करियर ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अगर एटीट्यूड के मामले में सलमान खान बॉलीवुड के शेर हैं, तो राजकुमार सवा शेर थे। ये किस्सा 1990 के आसपास का है, जब सलमान खान बॉलीवुड में नए नए हीरो बने थे। वैसे तो सलमान खान का डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी से हो गया था, लेकिन उन्हें पहचान 1989 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया से मिली थी। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान और भाग्यश्री जैसे नए चेहरों को लेकर फिल्म बनाई थी, और इसी फिल्म ने दोनों को रातों रात सुपरस्टार बनाकर रख दिया था। फरवरी 1990 में फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद इस फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें सूरज बड़जात्या की पूरी फैमिली के अलावा सलमान की पूरी फैमिली और एक्टर राजकुमार को भी इनवाइट किया गया था। पार्टी में सलमान खान थोड़ा लेट पहुंचे थे, क्योंकि सलमान ने उस वक्त नया नया स्टारडम देखा था और उन्हें नशा करने की भी गहरी लत लगी हुई थी। ऊपर से ये सलमान खान की सुपरहिट पहली फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी थी, तो इसमें वो ड्रिंक करके ना पहुंचते ऐसा भला कैसे संभव था। ड्रिंक के नशे के साथ ही सलमान को उस वक्त सक्सेस का भी नशा हो गया था। सलमान जब पार्टी में पहुंचे तो उस दिन उनका एटीट्यूड जरा हटके ही देखा जा रहा था। सलमान के पार्टी में पहुंचते ही सूरज बड़जात्या ने सभी मेहमानों को सलमान खान से परिचित करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं मेहमानों में से एक थे एक्टर राजकुमार। दरअसल राजकुमार ने खुद सूरज बड़जात्या से कहा था कि मैं तुम्हारी फिल्म की लीड कास्ट से मिलना चाहता हूं। इसके बाद सूरज बड़जात्या राजकुमार साहब को सलमान के पास में ले जाते हैं, लेकिन सूरज बड़जात्या को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सलमान खान राजकुमार साहब यानी कि उस वक्त के दिग्गज को नहीं पहचानते होंगे या पहचानने से इनकार कर देंगे। जब सूरज राजकुमार को सलमान खान के पास लेकर पहुंचे, तो सलमान खान ने अपना एरोगेंट एटीट्यूड दिखाते हुए राजकुमार से पूछा, जनाब आप कौन? जैसे ही सलमान ने इतना भर पूछा ही था कि राजकुमार ने सलमान खान का सक्सेस वाला भूत ही उतार दिया, क्योंकि राजकुमार के एटीट्यूड से उस समय अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे सुपरस्टार भी नहीं बच पाए थे। तो फिर नए नए हीरो बनने सल्लू मियां की क्या औकात थी? राजकुमार ने सबके सामने
सलमान खान को याद दिलाते हुए कहा कि बरखुद्दार अपने पिता सलीम खान से जाकर पूछना कि हम कौन। राजकुमार की बात सुनते ही सलमान खान का दारू और सफलता का जो नशा था वो सेकंड भर में ही उतर गया। उसके बाद सलमान को अंदाजा हो गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये वो किस्सा था जिसके बाद राजकुमार और सलमान खान जब भी कहीं टकराते तो सलमान खान राजकुमार के सामने सिर झुका लेते थे।